नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सर्वसाहूनं येषो पञ्चनमुक्ता सर्वपापमनाशनं मंगलानं च सर्वेषु पदमं मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमा प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्याधैनो धर्मोऽस्तु मंगलं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायं योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः शान्तः प्राणवरो वक्ता गच्छादीश सुसंयमी सूरीश्वरो गुणाब्धिशासनबुद्धैः सदोद्यमी अग्नामतिमिरान्धानाञ्जनसलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ ऐं नमः ॐ ह्रीं नमो मानस अध्यात्म गीता गई काले आपने अमा सुंदर मजानू दृष्टांत थोड़ो अधूर रही हुआ थी बराबर युवान गंगा गलीना किनारे पूर्ण चरणों में बैठो छे बैठा है वो युवान गंगा नदी के किनारे अपने गुरु के चरणों में बैठा है और अपनी जो व्यथा है और भयंकर व्यथा वेदना पीड़ा थी किस चीज़ की शरीर में भी बीमारी नहीं थी लेकिन कितनी कितनी साधनाएँ की गुरु के निर्देश के अनुसार भी कितने जगहों पर गया साधना स्थलों में फिर भी अभी तक अनुभव नहीं हो रहा है खुद का अनुभव आत्मा का इसका उसके बहुत दुख है और आखिर इसने क्या निर्णय ले लिया है बेहतर है कि गंगा नदी में अब डूब करके मैं आत्मविलोपन कर दूँ आत्मज्ञान अनुभव बिना जीना व्यर्थ है जैसा उसे लग रहा था और गुरु के चरणों में ये सारी बातें निवेदन की और आगे वो जा रहा है गुरु को बोल करके बस अभी मैं जा रहा हूँ गंगा नदी में आत्मविलोपन करने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दिए अगले जन्म में वापस मैं आपके पास आऊँ अच्छा नया शरीर लेकर के फिर से साधना करूँ तो आप मुझे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दीजिएगा मुझे ध्यान दशा लग जाए अनुभव हो जाए ऐसा कुछ बोल करके गंगा नदी के और कदम भी उठा लिए हैं लेकिन एक बार फिर जरा पीछे मुड़ के देखता है शायद गुरु को दया आ जाए और बुलाले में और माथे हाथ आशीर्वाद दे और अनुभव हो जाए देखता है गुरु भी कोई विलक्षण होंगे उन्होंने वापस बुलाया नहीं क्या था देखा कि बेटा बराबर गले में पत्थर बांध के जाना नहीं तो कभी कभी ऊपर आ जाते हैं बराबर गोथा लगाना बराबर डुबकी लगाना ये सुनकर तो और आश्चर्य बढ़ गया अरे थोड़ी सी लास्ट में आशा अपेक्षा थी तो वो भी तो अभी गई गुरु सामने से कहते हैं कि गले में पत्थर बांध के जाना बराबर लास्ट पैराग्राफ में ये था इतना अभी आगे क्या होता है देखें आगा करो मारियो आंखें आंखों हचमची उठ ये गुरु तो मुझे ऐसी बात सुनकर के तो बेचारा एकदम कहाँ उठा अस्तित्व ने मेड़वाना बधा ज रस्ता बंद थी गया अस्तित्व माने आत्मा आत्मा के लिए अस्तित्व का प्रयोग भी कर अस्तित्व होना अस्थि माने है अस्तित्व माने अपना होना अपनापन बीइंग बीइंग इंग्लिश में बीइंग कह सकते हैं तो उसका सारे रास्ते बंद भी जब गुरु ने ऐसा बोल लिया बाकी तो कितना भटक गया था कुछ नहीं हुआ क्या छे हूँ अस्तित्व मगज शून्य थी गई थी शून्य मगज बारे में क्या करना क्या नहीं करना तो कुछ सूझ नहीं रहता विचारो कुंडा उतरी गया थी थॉट विचार जो एकदम गहरे चले गहराई में चले गए हैं हवे ना एना भाव एनी विचारधारा कसूज शब्द थी वर्ण भी शकायत नहीं अभी जो उसकी भीतर की अवस्था हुई है ना ये लेखक कहते हैं सोमजेश्वरी महाराज की अभी उसका शब्दों से मैं वर्णन कर सकता नहीं हूँ ऐसी कोई अद्भुत अवर्णनीय उसकी ऐसी भीतर की अवस्था हुई है पर एक भीतर ना तड़िए हलचल मती है भीतर में खलबला
नाभिनाय उड़ाण थी कई असुरो एहसास जागो हो असुर सुर माने ध्वनि बिना ध्वनि का ऐसा एहसास भीतर से नाभि के नीचे से हमने ना जहाँ कुंडलिनी शक्ति कही जाती है वहाँ से कसुक टूट ही रही हो कुछ टूट रहा था कसुक खरी रही हो कसुक थई रही हो कुछ हो रहा था क्या हो रहा था उसका वर्णन नहीं कर पाते आघात इतलो प्रचंड हतो कि जाने तेनु बधुं कुंठित थई गयु जेने आघात लगा था सब फिर स्तब्ध हो गया था तेनी आँखों में जोनार ने जाने दृष्टि चाली गई होवानो एहसास थयो रोबोटनी जेम तेना हाथ पग चाली रहा था यंत्र जैसा हो गया था क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा नदी की दिशा तरफ ज आम पड़ रहे थे आगे नदी की ओर परंतु आ बधुं थई रह्युं हतुं करता क्या घेर वो चलता नहीं था चलाया जा रहा था वो चलता नहीं था स्वयं में हो रहा था जैसे कल जय गोसुर्याचार्य भगवंत के दृष्टांत अपने देखा 3.5 घंटे लग गए एक प्रदक्षिणादि में 3.5 घंटे उस समय भी ऐसी कोई दशा हुई होगी शरीर कदम थोड़े चलते हैं कभी चिर हो जाते हैं वो चलते नहीं थे वो उसको जो करवाना था वो करवा रहा था वो तो केवल साक्षी जैसे हो गए आशा अफक्त करता क्या घेरा जब करने वाला चलने वाला वो घेरा जब जैसा था कदाच कोई हतो जरूर करता था ही नहीं पर अहंकार शून्य विकल्प शून्य ऐसी उनकी अवस्था हो गई था फक्त आशा आघात नहीं आशा नो मीनारो बांगी जवा समान हतो लास्ट बिल्कुल आशा जो हो वो भी अभी तो खत्म हो गई अभी कोई जना हतो कोई ज नहीं ते एकलो हतो केवल अकेला कोई दूसरा नहीं दुनिया जैसे है ही नहीं अने कदाच एमा एने एना अस्तित्वनी खोट तीव्रता थी साली रही हती अपना होना उसका भी अभी अनुभव हुआ नहीं लेकिन वो तैयारी हो रही है बिल्कुल ऐसा होता है जब सुना है पढ़ा भी है जब भेद ज्ञान होता है ना ग्रंथि भेद तब अधिकांश साधुओं को ऐसा अनुभव होता है जैसे शरीर छूट जाएगा अभी बस मृत्युतुल्य अवस्था में से एक बार ऐसा होना होता है और वहाँ कई अच्छे अच्छे साधक घबरा जाते हैं और वापिस लौटते हैं कहा है न क्या यथा प्रवृत्त चरम यथा प्रवृत्त करो तक पहुँच करके भी जीव वापिस लौट जाता है समझ लो कि अपने पर्वत के शिखर ऊपर है और नीचे गहरी खाई है देखे तो चक्कर आता है घबरा जाते हैं वापिस लौट आते हैं ऐसा कुछ होता है उस वक्त आत्मज्ञानी सदगुरु की आवश्यकता खास रहती है जैसे कोई तैरना सीख रहा है लेकिन पानी को देख करके भर लगता है कि डूब जाऊँगा मर जाऊँगा लेकिन कुशल उसका गुरु शिक्षक होता है वो नहीं मैं हूँ ना मैं तुमको उठा लूँगा तुम घबराओगा और कभी कभी तो उसको धक्का मार भी देते जोर से फिर पानी फिर पड़ता है तो फिर तो हाथ पाँव हो जाता है ऐसे ऐसे ऐसी कुछ स्थिति विलक्षण होती है जो शब्दों से संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते केवल ऐसे टूटे फूटे इशारे कर सकते हैं बाकी तो अनुभव गम्य है परंतु हवे तेने कसूज जोईतू न कसूज नथी जोईतू एवो विचार पण तेने खपतो न अभी तक था ना कि मुझे आत्मा का अनुभव ये भी तो इच्छा है नहीं मेरे प्रशस्त इच्छा है लेकिन थोड़ी भी प्रसन्न इच्छा रहेगी तब तक नहीं होगा अब नहीं बिल्कुल वो विचार भी गिर गया कि मुझे अनुभव आना है अनुभव अभी अनुभव नहीं हो रहा है वो सब चला गया विचार शून्य थॉटलेस स्थिति आ रही खपतो न तो इतना नहीं उठतो पण तो अभी वो विचार कोई भी विचार उत्पन्न ही नहीं हो रहा है ऐसी दशा आ गई बधुं क्या डूबी रही हतुं गुरु ने जो कहा था ना वो ऐसी अवस्था में कहा था बराबर डुबकी लगाना भीतर में बाहर मत निकल आना ऐसी मार्मिक भाषा में कहा था भीतर में डुबकी लगा के घबरा करके वापस मत लौटाना पूरे पूरा भीतर में डूब जाना अपने भीतर में गंगा भीतर में है इसमें डूब जाना
गुरु विलक्षण होते हैं। और क्या डुबकी लगावाई होती, अपने आप डुबकी लग रही थी, क्या माने भीतर में अपने बहु उंडाण बधू उतरतू जतू वतू ऐसे बीते 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 चले गहन अंधकार और भीतर भीतर में चले जाते हैं। ऐसा होता है क्या क्या बहु उंडे और भीतर की गहराई में जाके चेतना कसूज संभड़ा तू न तो कसूज देखा तू न तो कसूज नहीं। पांचों इंद्रिया और छठा मन बिल्कुल जब शांत प्रशांत उपशांत हो जाते हैं तभी अनुभव दशा प्रकट होती है। ऐसा नहीं है इतना जितना आप समझते हैं, मृत्यु तुल्य अवस्था में से पसार होने की तैयारी रखनी पड़ती है। हाँ बाकी दो अधिकांश तो थोड़ा कुछ लिखा प्रकाश कुछ समय थोड़ा कुछ अनुभव में अटक जाते हैं, लास्ट अनुभव तक पहुँचना इसके लिए तो आत्मज्ञानी गुरु की उपस्थिति नितांत आवश्यक हो या अनिवार्य जैसी करीब करीब है। कसूज बहुज उंडाण में कई अनुभव आतु बदूज थीजी गई होती एकदम से पानी पत्थर बर्फ बन जाता है ऐसी दशा हो गई थी। पोते गंगा नदी में पहुंची चुको छे गंगा में डूबी रहो छे गंगा नु कड़कड़तु ठंडू पानी कसूज अनुभवातु न हतु। अब खुद वो कहाँ है गंगा में पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, डूब रहा है नहीं डूब रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा। कहा हा हवे तो श्वास पण गुंगड़ाई रहा था श्वास ये मैं खबर जतो आ रही हूँ अस्तित्व जड़हड़ा जड़हड़ा अस्तित्व अरे आ तो हूँ कसूज विचार आई नहीं वो भी विचार नहीं करता अनुभवनी आगोश माने प्राय आलिंगन सब बदूज भुलाई गई मैंने अनुभव दशा आ गई इसको चाहता चाहता वो दशा हो गई लेकिन उस वक्त मैं अनुभव कर रहा हूँ मैं ही निकल जाता है मैं अनुभव कर रहा हूँ मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है वो बात भी निकल जाती है। ऐसी कोई विलक्षण दशा होती है। शब्दों तो राकड़ा क्या है विचार शब्द तो विचार है वहाँ शब्द कोई भीतर में कोई शब्द उत्पन्न ही नहीं होता है। विचार जो होते हैं आखिर तो शब्द के स्वरूप में होते हैं विचार ही नहीं होता है कोई शब्द भी नहीं उठता भीतर में से हाँ अच्छा बहुत आनंद आ रहा हाँ मुझे अलग हुआ ऐसे कोई शब्द ही उत्पन्न नहीं होता है वहाँ पर ऐसी निःशब्द अवस्था होती है। लक्षण माथा ऊपर कसूक फरी रही होती शरीर नो एहसास थो थोड़ी देर के बाद एक अवस्था आ गई एक बार कि वो ज़्यादा टिकती नहीं है वापिस विचार या विकल्प आ ही जाता है कुछ ही सेकंडों में लगता है कुछ घूमती चढ़ रहा है ऊपर शरीर का भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने शुरू हुआ बदूज जकड़ा ही गए लू लागू बदू शरीर भी जैसे अकड़ गया है। कोपचा ऊपर मन मर नो भार वर्ता तो कोपचा माने भ्रमर आँखों के ऊपर का भार जैसे हमने आँख खुल ही नहीं पाती खोलना प्रयास नहीं करना खुलती नहीं है फेविकॉल से चिपका नहीं होगी दोनों आँखों की से ऐसी दशा हो गई है। धीरे धीरे ये खुल ही गया और मुश्किल से आँख खुल गई अरे सामे एज चरिचिर परिचित चेहरो समझणो थयो त्यारथी ज आ आँखों आज चेहरो पोते जोतो आव्यो हतो नीचे गासनी चढ़ाई अनुभवाय आजूबाजू में दीवालो जणाय कदाच पोते गुरुदेव नी कुटीर में हतो। ये सब हो गया है आप इसमें गंगा की ओर जा रही था भीतर में सभी एहसास होने लगा है शू पोते स्वप्न जो हुआ तो अभी तक ये सब हुआ तो स्वप्न था हूँ गंगा में डूबियो न तो आँखों मिचाई गई अने ए एहसास अलौकिक आनंद तेनु रूवे रू तृप्त थी गई रोमे रोम एक परम तृप्ति का अनुभव हो रहा था बदूज ठरी गयु शांत थी गई चारों शांति का महासागर लहरा रहा था। तेने आँखों उगाड़ी और जोयु सामेनी आँखों में पण एज देखायु सामने कौन गुरु बैठे थे
जैसा भीतर में अनुभव हुआ था वैसे ही उनकी आंखों में माने अनुभव ऐसा समान हो गए जैसे इन्हें खुशी पर न थी। खुशी माने रति, हर्ष, हर्ष नहीं हुआ, आनंद था लेकिन हर्ष ये तो बस आनंद में फीजी गयो तो। आनंद भी कितना विलक्षण करते हैं तब ये अनुभव सिद्ध महापुरुष है इसीलिए इतना वर्णन कर सकते हैं, ऐसी विलक्षण अवस्था होती है। हजू कसूज जरूरी न हो तो कसूज जो तू न हो तो कुछ नहीं चाहिए। आत्मा का अनुभव सबकी भक्ति कुछ नहीं, मोक्ष भी नहीं, संसार तो नहीं, वो मोक्ष भी नहीं, कुछ नहीं। भवे मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो अपूर्व अवसर है वो એને પોતાનો તરફડાટ યાદ આવ્યો। અભી સવિકલ્પ શાહીએ થોડા આપણી પહેલી કેસી અવસ્થા થી એવો થોડા યાદ આવ્યા અને ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું। એ બોલ્યો, ગુરુદેવ ડૂબવું જરૂરી હતું તો પહેલા કેવું હતું ને, ગંગામાં ભીતર મેં ડૂબના થા હું જરા મુજબ પહેલે બતાના થા ને બેટા, મારા વચનો શિલા જેવા હતા, શિલા પથ્થર હતા ને, પથ્થર બરાબર માન કરકે ડૂબના, મેરા બે જે વચન છે એવું પથ્થર જે છે તુમકો ડૂબા ગેરાની ડૂબાને કે લીએ હતા, એના ભાર તળે બલબલા ડૂબકી લગાવી હતા હતા। ઇતને લોગ મેરે વચન છે ઇતર મેં ડૂબકી લગા ગઈ, પરંતુ તું તું સતત તરતો જ રહેતો હતો, ઇતર મેં જાતા નહીં હતા, ઉપર ઉપર તરતા રહેતા હતા। मरो हे जोगी मरो, गोरखनाथ ने कहा है, तीन मरणी मरो जिसमें गोरख मरा, अहंकार मरु विकल्प शून्य थव, अहंकार मरेगा तो अरहम प्रकट, अहम जाएगा तो अरहम स्वरूप अरिहत का वो प्रकट होगा अपने भीतर। अहम रे अहम तू जाने मरी तो पची बाकी रह दे, संतों ने कहने में कुछ बाकी नहीं रखा है, इतने इशारे किए अपने को लेकर, अपन बस ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, अपने को बराबर ही बात लागू हो रही है, इतने तेरे पीछे का जो अनुभव की बात वो नहीं लागू हो रही है लेकिन ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, भीतर में गोथा नहीं लगाते, मर्जीवा बंदर के समुद्र में से मोती पाना हो तो गहराई में उसके मध्य भाग में उसके तल तक जाना पड़ता है, डुबकी लगानी पड़ती है। बीच में कई मगरमच्छ और ऑक्टोपस वगैरह प्राणी भी होते हैं, डरे बिना गहराई में जाना पड़ता है, तो मिट्टी भी है, छोटे बच्चे किनारे जैसे खेलते रहते हैं उसको तो छिपले और कौड़िया ऐसे मिलता है, अच्छे मोती और रत्न चाहिए तो ऐसे मर आत्मा चलो रत्नों का भी रत्न है वो पाना चाहिए उसके लिए तो। प्रभु नो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नो काम जो ने प्रथम पहलू मस्तक मुकी वर्ती लेऊं नाम जीवने। प्रभु का मार्ग सूरवीरों का है, कायरों का नहीं है, क्षत्रियों का मार्ग है, अपन बनिए का नहीं है, वहाँ तो झांकी बाजी लगाने की विद्या रखनी पड़ती है। प्रथम पहलू मस्तक मुकी वर्ती लेऊं प्रभु का नाम, अरे लेते लेते ऐसी जैसे आ सकती है एकदम जैसे अभी अभी मर जाएंगे, इतनी भी तैयारी रखनी चाहिए, ऐसे एक जाने वाले तो है ही, कितना भी कोशिश करेंगे इसको पकड़ रखने की लेकिन रहने वाला नहीं है, जाता है तो जाएगा तो दूसरे भाव में वहाँ से फिर आगे की यात्रा स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसे जाता नहीं है, लेकिन एक दशा आती ऐसी जरूर है, पहले से ख्याल हो तो फिर डर डर नहीं लगे बरूबर हाँ तो होगा ये क्या हो गया। अरे ऐसे ऐसे साधक हमने देखे हैं सुने हैं, तीन तीन दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, भीतर जो कुंडली झक जाती है सब भीतर की प्रक्रियाएँ आध्यात्मिक शुरू हो जाती है ना कभी कभी, तो कुदरत चाहती है कि शरीर बिल्कुल शांत रहे, खाना पीना कुछ नहीं, उस वक्त सदगुरु नहीं हो ना तो घबरा जाते हैं, आसपास वाले सहवर्ती कहने लगे अरे आप कुछ नहीं कर रहे महाराज, ये कोई तो कुछ खाते नहीं, इतने दो दिन तीन तीन दिन हो गया आप कुछ करते नहीं है, कोई डॉक्टर को वही तो किसी को बुलाते नहीं, अरे अरे ठीक हो रहा है चिंता मत करो, जो होता है बराबर होता है चिंता मत करो, वो कौन कह सकेंगे, ऐसे सदगुरु जो आत्मज्ञानी होंगे अनुभवी होंगे वो उसकी दशा को समझ सकेंगे, नहीं तो ऐसा भी है अनुभव, एक साधु जी अभी हैं
धाराशो पारक उनकी एक दशा ऐसी आई थी विश्वास के पहले, तो घर वालों ने किसी को बुलाया, उसको नाम दिलवाए, नाम गर्म करके देते हैं जो ऐसा सब करवा लिया नमो हरिहंत। तो अभी अपना ब्यूडी सागर जी महाराज उनके संसारी सुपुत्री भी है बीच में, वो भी जप वगैरह बहुत करती, तो उनको भी कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसे अपने हाथ से ऐसे ऐसे करे नाभि के ऊपर चित्र विचित्र अपने आप वो होते हैं, मुद्राएँ होती हैं, जब ध्यान दशा लगती है कुंदन जगती है ना, तो कई जन्मों के संस्कार भीतर में दबे हुए हैं, वो संस्कार उभर करके आते हैं। पशु शेर के सिंह के भावों में कितने पशुओं के भाव किए, उस समय के संस्कार सबका विसर्जन होना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएँ अपने आप होने लग जाती है, जीभ बाहर निकल आती है तो घबरा जाते हैं, फिर एक का दूसरा हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर उस दशा को समझ सकें ऐसे समर्थ सदगुरु ऊपर होने चाहिए। फिर उन्होंने किरण भाई की सलाह ली, उन्होंने कहा थोड़े समय के लिए जाप करना बंद कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके पिताजी भाई वो भी साधना में गए थे, पसीना साधना में गए थे, और उनको भी इतनी गर्मी भीतर से उत्पन्न हो गई, एकदम वो सहन नहीं कर पाते थे। उसके ऊपर जो टीचर थे वो कहते कुछ नहीं तुम देखते रहो करते रहो, घबराओ मत, करते देखते रहो देखते रहो। छः महीने पीछे छः छः महीने तक उसकी असर चली, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ज़्यादा हो जाता है ना ओवर, तो उसको कुछ समय के लिए साधना बंद करवा देनी चाहिए, वो नहीं करवाए, वो करते रहो करते रहो करते रहो, होने दो जो होता है, कभी कभी रिएक्शन आ जाता है, कुंडली जगती है तो विचक्षण विलक्षण दशा हो जाती है। बंधु त्रिपुटी में जो भी है क्या नाम कृष्ण विजय जी महाराज, तो वो भी अच्छे योग साधन अष्टांग योग के साधक हैं, उनकी भी एक विचक्षण विलक्षण दशा आ गई थी बीच में, बस मुझे केवल ज्ञान हुआ जैसे जैसे बम बम बक करते रहते हैं, मुझे केवल ज्ञान हो गया है, पागल की तरह बोलते रहते हैं, लेकिन उनके विशिष्ट ऊपर थे मकर में दवे, वो भी बड़े अच्छे आत्म साधक थे, तो सूक्ष्म रूप से उनके साथ उनका संबंध उस वक्त सूक्ष्म स्तर पर होता था। वो पीछे से उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा जोर लग गया साधना करने में, जैसे तभी चल नहीं पा रहा है, धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये शरीर तंत्र है नाड़ी तंत्र झेल नहीं पाता, शरीर की भी क्षमता होनी चाहिए उसके लिए अनुभव के लिए, जैसे समझो कि जीरो का बल्ब है और उसमें हजार वोल्टेज का पावर प्रसार करेंगे तो क्या होगा, खत्म जल जाएगा, खत्म हो जाएगा अपना छेवटा संज्ञान, इसीलिए तो केवल ज्ञान छह संज्ञान में से केवल पहले संज्ञान में ही हो सकता है, वज्र ऋषभ नारा संज्ञान हमारे शरीर का बंधारण, हड्डियाँ इतनी मजबूत होती है वज्र जैसी, ऊपर से गिरे तो भी कुछ नहीं हो गए, अपने जरा चलते गिरते और फ्रैक्चर हो जाता है, अपना शरीर दुर्बल है, केवल ज्ञान का पाने के लिए तो एकदम मजबूत शरीर चाहिए, इसी प्रकार से आत्मज्ञान ग्रंथि भेद करना आत्मा का अनुभव प्राप्त करना उसके लिए भी शरीर की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए तो योगासन प्राणायाम अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम, तो आसन और प्राणायाम से शरीर मजबूत होता है यम नियम के पालन से भी, फिर आता है प्रत्याधारणा, फिर सातवां स्टेज ध्यान, तो आठवां फिर समाधि है, इससे पहले शरीर मन सबका की तैयारी बहुत जरूरी है, इसीलिए वो युवावस्था में ही हो सकता है, पीछे की अवस्था में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो ऐसे बाल योगी बैठे हैं उनको चांस है अभी, बराबर ना, नहीं तो बहुत गई थोड़ी रही, अभी अगले जन्म में फिर जो होगा सो फिर भी प्रयत्न तो करते रहना है, क्यों इसी जन्म में पालने के लक्ष्य है, हाँ तो है बराबर, तो आज और अभी पाना है, ऐसी दशा से प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कभी जन्म एकदम अशक्य नहीं है, थोड़ा कठिन है लेकिन अशक्य नहीं है, इनके लिए आसान है, बराबर रुचि भी है, दोनों को रुचि भी है। तो क्या कहते हैं देखो, हूँ राह जो तो हो तो गुरु कहते हैं क्या रे तारा हथ पग हलता बंद खाए अने तू डूबे, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि तब फिर हाथ पाँव चलने का बंद हो जाए तुम भीतर भी डुबकी लगाओ गंगा में, भीतर वाली गंगा में, पर तुम तो कुशल तरवैयो साबित हो तो जंग में कहते हैं बारे पुरुषार्थी को तो कहना पड़ेगा,
अपन समझते हैं कुछ करें तो वो पुरुषार्थ होता है, ऐसे ऐसे बैठे रहने क्या होता है, कमाश्रम डेवे आप कुछ करें प्रदक्षिणाएं डेवे जब करें तो पुरुषार्थ कहा जाते हैं, ऐसे बैठ के ऐसा वो पुरुषार्थ क्या हुआ, अपने कैसा लगता है बरोबर। लेकिन ये तो कहते हैं कि मैं चाहता था कि तू तेरे हाथ पांव बंद हो जाए चलना, बिल्कुल हिलना डुलना बंद हो जाए, भीतर में डुबकी लगे तो क्या हो, तू तो तरते उज रहे हो वत्स तारे डूबवानू हतो बधूज भूली ने डूबी जवानू हतो, पर तू तो तरते उज रहे, हाथ पग पछाड़ते उज रहे, भय लगता है ना पानी में डूब जाऊँ मर जाऊँगा मर जाऊँगा, तो हाथ पाँव तो हिलाता है, यहाँ तो सब जो डूबता है वो तय उतर जाता है संसार सा, तैरता रहता है तो कुछ नहीं होता, वो भटकता रहता है। प्रभु आटला वर्षों पछी डूबियो हतो तो मने बाहर का काढ़ियो, अब वो शिष्य कहता है इतने जिनकी में इतने साल के बाद पहली बार डुबकी लगी भीतर में, तो फिर मुझे भीतर में रहना देना था ना, बाहर के बोला हे અને મંદ મંદ સ્મિતમાં બધું જ પાછું ઓગળી ગયું, સ્માઇલિંગ ફેસ છે ગુરુ મસ્ત સ્માઇલ દેતે જવાબ શબ્દો કે અંદર નહીં, આજે તરફડાટ હતો ને પહેલાં વ્યથા હતી પીડા હતી, તલસાટ હતો તમન્ના હતી, તરવરાટ હતો જંખના હતી, મથામણ હતી જુરાબો હતો, ગબલવલાટ હતો ગુંગડામણ હતી, મૂંઝારો હતો અકથ્ય અને અસહ્ય વેદના હતી, એ હતી જિજ્ઞાસા અથવા તો આત્મ જિજ્ઞાસા, તીવ્ર કામના એસી ચાહી આત્મા કો પાને કી, કિતને ઇસકે લિયે પર્યાય વાચી કિતને 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 શબ્દ દે દીએ, આઠ દસ દે દીએ, તો તાકી દિમાગ મેં બેઠે લડ્ડુ ભી ખાના ઓર મોક્ષ પૈસા ને એસી વાત નહીં હૈ, ભીતર કા પુરુષાર્થ હોના ચાહીએ, હાથ પાંવ બહાર સે નહીં, બસ તો સાથ બેઠ જાના હૈ, લેકિન ભીતર મેં એસી प्रबलतम आकांक्षा होनी चाहिए, अब यही चाहिए उसकी पूजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रो, आत्मसंसार एक ही इच्छा बसनी चाहिए, बाकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जानी चाहिए, तब वो हो सकता है, एक पाँव दही में एक पाँव दूध में काम नहीं होगा, कुत्ता होता है उसको भौंकना भी है और आटा पड़ा है उसको खाना भी है, तो दोनों चीज़ साथ में नहीं हो सकती है, अपने को संसार में अपना ठीक से चलता रहना चाहिए और आत्मा का आनंद भी चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, केवल और केवल आत्मा ही चाहिए, उसके लिए जो भी छोड़ना पड़े छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार हूँ, अगर आत्मा मिलता है तो उसके लिए मैं मृत्यु तक को भेंटने के लिए भी तैयार हूँ, इतनी तैयारी कफन बांध करके निकलना पड़े, ऐसी बात है, જો કે આટલું જ ન હતું, એ તરફડાટનું પૃથક્કરણ કરવું જરૂરી છે, આ સપાટી ઉપર તરફડા તલસાટ અને ઝુરાપો દેખાય છે, પરંતુ તેના પેટાળમાં બીજું જ કશું છે, સુનામી નદીમાંથી આવતી, સુનામી જ વાત ક્યાં આટા, સુનામી સમુદ્રમાં આટા, સાગરમાં જ આવે છે, કારણ કે પેટાળની ગંભીરતા સાગર પાસે છે એ નદી પાસે નથી, ऐसे सागर और गंभीर बनना पड़ता है, उसके लिए गंभीरता से प्रयोग करना पड़ता है, ऊपर चलना जीवन जी रहा उसको कुछ नहीं होता है, आ तरफड़ाट तलसाट नहीं सुनामी आदि आदि, हमारे तलसाट नहीं था सुनामी, कारण के एमनी पासे जबरदस्त गंभीर पेटाड़ हो, तरफड़ाट नहीं लहरों थी मिथ्यात्मा किला नहीं કાંકરી પણ ખરે એમ નથી, ઉપર છેલ્લા તરફડાટ હોગા ઈચ્છા હોગી કુછ નહીં હોગા, એસે તો મિથ્યા તો કિલ્લા ઇતના મજબૂત હે ઉસકી કંકર ભી નહીં લેગી, હા એના માટે તો જોઈશે સુનામી, કિતના દિનો કા માસ કમાડ્યા 108 ઉપવાસ કિયો, એસા હોતા હે એસે ભી ભયંકર ભૂખ પ્યાસ હોની ચાહીએ, અને સુનામી ત્યારે જ આવે છે કે જ્યારે સાગર જેવું ગંભીર પેટાળ હોય, પાત્રતા ભૂમિકા કા વિકાસ હોના જોઈએ, એ પેટાળની કંઈક માહિતી, હા માત્ર માહિતી, પણ હવે પછી બરોબર અગ્રે વર્તમાન કહેતા હૈ, એસી વો
एटाल में क्या होना चाहिए सागर जैसा, उसके लिए आगे कहते हैं अस्तित्व ना एहसास माटे तरफड़ता है साधक ने गंगा ने डुबकी फड़ी गई। अस्तित्व ना अनुभव थी तेनु भीतर जड़ हड़ी उठी गंगा ने डुबकी अने ए पहला नो तरवराट तो छेल्लू टाकड़ू हतुं। भगवान प्रगट हो गए ए पहला बहु विराट वाट जिज्ञासानी आंगड़ीए ए खेड़ी आयो हतो विराट लंबा रास्ता ने दिन तक रोया था कन्नन हुआ था। मीराबाई का एक भजन की पंक्ति है अंशु बन सींच प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी प्रभु का प्रेम आत्मा का प्रेम उसकी रूपी बेल लता बेलड़ी उसको ये पानी का चाहिएगा आंसुओं के पानी से सिंचन करना पड़ता है तब वो भगवत प्रेम और उस भगवत की प्राप्ति होती है। कितने आंसू बहाने पड़ते कितना रोना पड़ता है ऐसा प्रेम करना आसान नहीं। इच्छा रुचि भावना संवेदना वेदना तमन्ना तलसा अने तरफड़ा आ बधूज क्रमशः जिज्ञासा माथी उद्भव्यू छे। आत्म जिज्ञासा होती है अनुभव करना है तो धीरे 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 सब पहली बार तो समान इच्छा होती है सत्संग होता है ऐसा सब सुनते हैं तो थोड़ा सा थोड़ी सी इच्छा चाहिए थोड़ी सी इच्छा इससे फिर रुचि वो उससे जरा आगे का स्टेज है आगे फिर भावना बाद में चलती है भावना फिर संवेदना और वेदना अभी वेदना पीड़ा नहीं हो अनुभव रहा उसके लिए पीड़ा होती है बहुत तमन्ना पीड़ा और गहरी होती है फिर तो तलसाड़ और तरफड़ाट जलबीन मछली कैसी तरफड़ाट करती है पानी से बाहर निकली मछली वापिस जाने के लिए ऐसा तड़फड़ाट बोली होता है तब वो अनुभव नशा आती है। पहले मैंने दृष्टांत कहा था ना वो तिरुलाली में वाई मिली थी कितने जंगलों में साधना करती थी फिर भी नहीं होता था सोनगढ़ गई थी और पूरी रात रोई नींद भी नहीं आई सकती एकदम रात पूरी होने आई थी तब थोड़ी सी जबकि लग गई फिर जब आँख खोली तो अचानक ऐसी दशा अपने आप आ गई। तो अथवा कहो कि जिज्ञासा ना सथवा बधाज माइल स्टोन तेने वटाया छे। कहीं जाते हैं तो किलोमीटर के पत्थर आते हैं ना ये सब किलोमीटर के पत्थर है ऐसी अवस्थाओं में ऐसी हमको पसा होना पड़ेगा अनुभव दशा तक पहुँचने के लिए। हाँ तो रोते हैं एक बाजू गए सहलू है वही यार क्षमता है आप बधू कर जब हो जाएगा तब लगेगा अरे इतना सहला इतना आसान था नहीं हुआ तब तब तो તેણે જે પણ મેળવ્યું તે બધું જ જિજ્ઞાસાના પ્રભા વિપ્રતા એ ભીતર મેં પહેરે તો પ્રબલ જિજ્ઞાસા જગની ચાહીએ યહી ચાહીએ અભી ચાહીએ આજ ચાહીએ ઓર કુછ નહીં ઉસકે લિયે જો છોડના પડે સબ છોડના પડે તૈયાર હું બોલના ચલ્લા ગુરુ કે મૌન તો મૌન બેઠ જાઓ પણ મેં આંખે બંધ કરીને બેઠ્યા નથી સબ તૈયારી હોય થઈ એ કોણ વો રામજીભાઈ સુથરી વાલે कर्ज था उसको मिटाने के लिए लक्ष्मण सूरी ने कहा कि भाई तीन दिन बिना खाए पिए चौबिया उपवास और बैठना भी नहीं है पथारी करते बैठने बैठे बैठे ये मंत्र का जप करना है तो वो तो भौतिक पैसे की प्राप्ति के लिए भी इतना करने लग गए अपनी है इतनी तैयारी तीन दिन के लिए वो आत्मा को प्राप्त करने लगी कि सोना भी नहीं बैठना भी नहीं। जामनगर में पटेल थे जयंतीलाल इलेक्ट्रिक का काम करता पिछले 12 या 14 सालों से लेट करके सोया नहीं था बहुत अच्छा सुंदर प्रदर्शन दिया निद्रा विजेता जयंती लाल भाई वह अखंड जाप चल रहा था 24 घंटे पूरा चतुर्मास तो रात को पिछले घंटों में जब कभी कभी ऐसे सबके नाम लिखे हुए थे कभी कोई इसके संजोग ऐसे हैं कि वो नहीं आ पाता है तो चिंता मत करो मैं कोई नहीं हुआ तो मैं घर करता रहा हूँ तो ऊपर से भी रात में रहता था बैठ जाने का ऐसे बैठी बैठी जब भी लग जाए भले लग जाए लेट रहेगा नहीं पुरानी स्मृति में भी रहता हाँ इतनी कुछ तैयारी रखनी पड़ेगी भाई ये देश विदेश भटकी आयो छता
ક્યાંય આનંદ મજા ના આવી. દુનિયાથી સારી મોજ મજા છોડવી પડતી ત્યાં એની દ્રષ્ટિ ભટકી ન ગઈ, ક્યાંય તે અટવાઈ ન ગયો. ભૌતિક ચીજોને કંઈ અટવાયા અટક નહીં ગયા, એની બહિર્મુખતા તૂટી ગઈ. કારણ તેને આત્મા એટલે કે ખુદ પોતાની જાત ન મળ્યાનું દુઃખ સતત રંખતું હતું. એટલે કંઈ પર બી મન ફેરતા નહીં, ત્યાં સંસાર કે માયાજાલને કંઈ બી રૂપતા નહીં. ऐसा होता कुछ अनुकूलता मिलती है, सुविधाएं मिलती है संसार की, तो फिर उसमें जीव निपट जाता है और अपना लक्ष्य भूल जाता है. लेकिन वो भूला नहीं, सतत लक्ष्य के प्रति जागृत था. आ डंक उद्भवे छे खरी जिज्ञासा माती, पाया की ये बात है नीव की जिज्ञासा, प्रबलतम जिज्ञासा. साची जिज्ञासा समय वित्ता जवाब न मरता, વધુ ને વધુ તીવ્ર બનતી જાય છે. અટક નહીં કરવી, ત્યાં હોતા તો છોડ દો, નહીં કરતા કુછ નહીં કરતા. અચ્છા ને ઓર જ્યાદા ઓર જ્યાદા ઓર જ્યાદા પરાકાષ્ઠા તક પહોંચના છે. અને તે તેને બીજે ક્યાંય રસ લેવા દેતી નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયો કે વિષયો મેં કંઈ ઉસકો ટિપટને નહીં મેળવ્યું. પ્રબલ જિજ્ઞાસા હોતી હાથમાં, બહારનો રસ એટલે કે બહિર્મુખતા લગભગ મરી પરવારે છે. જિજ્ઞાસા કા પરિણામ હતા. એને ઢગલા બંધ પ્રવચનો આપ્યા, પહેલે વર્ણન હતા ને, પછી વિદ્વાન સંત હતા વિવેકાનંદ જેસા, બહુ પ્રવચન દીએ છે. એ પણ જિજ્ઞાસુઓને અપીલ કરતા, આત્મક જિજ્ઞાસુ લોકો બી લગે નહીં, બહુ અચ્છી વાત કઈ બોલ રહે. જનસામાન્યને આકર્ષતા પ્રવચન દીએ છે, અચ્છી અચ્છી. નિશ્ચય એ પ્રસિદ્ધ પ્રવક્તા હતો, વક્તાની પ્રવક્તા હતા, પ્રકૃષ્ટ વક્તા હતા. પરંતુ છવાઈ જવાની વૃત્તિ તેનામાં ન હતી. લોકો ઉસકી તારીફ ભી કરતે હૈ લેકિન એસા કે મેં પબ્લિક પે ઉછા જા બસ બિહારી નામ ચારો પિતા રે, એસી ઈચ્છા નહીં થી. ઠીક હૈ, પરિસ્થિતિ વિસાદે ગુરુ કે આદેશ પ્રવચન દેતા હોગા, લેકિન ભીતર મેં તો ક્યાં હોતા થા ઉસકો, ઉલટું છુપાઈ જવાની તાલા વેલી હતી. હા, સોતા તા કે મેં કે છિપ જાઉં. ખોવાયેલા આત્માને ખોળવો હશે તો દુનિયામાંથી ખોવાઈ જવું પડશે. ચંદ્રશેખર મહર્ષિને કંઈ પર બેઠા છે, કહાયા લીધા સુવિચારને બેઠા હતા. ખોવાયેલા આત્માને ખોળવું, ખોજના હોગા આપણે આત્મા કો, દુનિયા મેં છે ખો જાના પડેગા. જંગલ મેં કંઈ ગુફા મેં કહીએ કાંતિને, એને તો શરમ આવતી હતી. આ શરમ આવતી હતી શેમાંથી? જિજ્ઞાસામાંથી. ધ્યાન કરના પડતા હતા ગુરુ કે આદેશ યા સમાજ કી અપેક્ષા છે, લેકિન ભીતર મેં હોતા હતા કે અનુભવ રસાની હતો ગોળિયા લેતા હે ક્યાં કરે. આ કારણ કે ખરી જિજ્ઞાસા પોતાના અજ્ઞાનના અહેસાસમાંથી જન્મે છે, અને જિજ્ઞાસાની તીવ્રતા એ અજ્ઞાનના અહેસાસને વધુ તીવ્ર બનાવી લે છે. પરિણામે પ્રવચન વખતે શરમ આવવી તો સહજ જ છે. કોઈ બહુ કટક થતા હોય, હાથ જો કે ગુરુમાં બોલતા મુજે અભી રહે નહીં. આપણી કચ્છ કી પરિસ્થિતિ એસી હોય, આદેશ બોલ અભી ભી તો એસા લગતા જ કંઈ, કમ સે કમ છ મહિને કે લી કંઈ ચૂપ હો જાય. પ્રવચન પછીની પ્રશંસા તેને પીડા આપતી હતી. ખુશ નહીં હોતા હતા લોક, તારીફ કરતી હતી પ્રવચન કી, લેકિન ઉસકો વેદના. પ્રશંસા ને પીડા રૂપે સંવેદવાનું દુષ્કર કાર્ય થયું. સોના પ્રભાવે જિજ્ઞાસા પ્રતિષ્ઠા શું કરી નિષ્ઠા. પંડિતજી કહેતે હતી પ્રતિષ્ઠા આપણી રોગ તારીફ કરતી હોય, પ્રશંસા કરતી હોય, તો દુઃખ કર કે નિષ્ઠા કે સમાન લગતી હતી. એ સબ પ્રશંસા કરે છે, બીજે કોઈ નહીં પહેચાન તો અચ્છા, કોઈ નહીં બોલાવે તો અચ્છા. અપને મેં કહ્યું જ્યાં સુધી જિજ્ઞાસા તીવ્ર છે ત્યાં સુધી તમે તો બધું જાણો છો, આવી વાતો એને પીડાદાયી જ બનવાની ને. લોક કહેતે હૈ આપ તો સબ જાણતે હૈ કે ઘણા જીતવાને કોઈ ભી ટોપિક હો આપ ઇતના બોલ સકતે હૈ, તારીફ કરતે હૈ ઉસકો પીડા હોતી હૈ.
એને બધું જાણતા હોવાની હવા ખપતી જ નથી. લોક એસી બી હવા ફેલાવી બીજું બહુ વિદવા બહુ જાણતા રે. એને તો જે નથી જાણી શકતો તેને આત્મશ્લાઘાના અને કર્તૃત્વ ભાવના ભયંકર વિષ વમળથી ઉગારી દે છે, તે પણ સહજ સહજમાં. જે નથી જાણી શકતો અભી આત્મા ખુદ તો જાણવા નહીં જાય. લોક ઉચ્ચ શ્લાઘા કરતે લેકિન એ ગુલાની હતા, કામદાર બની હતા, પીડા હોતી લોકો તારી શંકા. એને લખવું પણ આગરું લાગે છે. આગે વર્ણન આવ્યા હતા લોકો પ્રવચનકાર હતા, બહુ લેખક હતા, કેટલી કિતાબે લખી હતી હછી હછી, લેકિન એવું બોલતે લખવું એવું તો સાહેબ ગુરુ કા અને શું આવતા લિખના પડતા હતા. જૈસે રક્ત સુંદર છોરી મારે પ્રાર્થના કરી ગુણ મન છોરીને કેટલા આપ લેખો એક પત્ર પશ્ચકાર લિખને મેં બી હાથ કામ થઈ રહી કેવા લખું કોઈ સુવિધા નહીં હતા. આ 400 કિતાબ અભી ઉસકા ઉદઘાટન એવું છે સાહેબ હો ગયા હોને વાલા સ્પર્શ નામ કી કિતાબ 400 કિતાબ તો ગુરુ કાદેશ હુઆ હોગા તો લિખતા માનો હુઆ. લેકિન બીજાને સમજાવી દેવાનો અને એના દ્વારા હું માર્ગજ્ઞ છું, માર્ગ કો જાણે વાલા હું, મેં હું મોક્ષ માર્ગ કોઈ આત્મા કે અનુભવ કા માર્ગ આવી છાપ ઊભી કરી દેવાનો અભરખો એને જાગતો જ નથી. કારણ કે એની જિજ્ઞાસા એમાં રૂકાવટ લાગે છે. શો 400 કિતાબે લખી હે ફિર ભી અભી એ ચોમાસા આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષ કે સાધુજી સુરી મહારાજ કે સાથ સુરત મેં કરને વાલે હૈ વો સમજતે હૈ ભલે પ્રશ્ન પ્રવચન ઇતના લેતા હો લોગ તારીખ કરતે કિતની કિતાબ લિખતા હું અભી લેકિન વો અનુભવ નહીં હુઆ. ભલે અચ્છી દશા હોગી લેકિન અભી જબ તક અપના ખુદ કા પૂરા અનુભવ ન હો તબ તક સચ્ચી તૃપ્તિ નહીં હોતી હૈ જીવ કો. તો એ ઇતને સરળ નિખાલસ હૈ. ऐसा नहीं कि मैं इतना विद्वान हूँ तो मैं किसी के अंडर में चतुर्मा क्यों करूँ, मेरा स्वतंत्र ही करता न रहो. एनु लखू हकीकते बीजा ने फायदाकारक ओछू थशे एने वधु फायदाकारक थशे. कारण के लखता लखता तेनी जिज्ञासा तेने वधु ने वधु टपार से टिपली लगाएगी. लिया તને કંઈ આ બધાનો અનુભવ છે કરો તું લિખતો રહે આ સબ આત્મા કી બાત તુજે અનુભવ હૈ લિખેગા તો અપના કોન્શિયસ બાઇટ કરેગા ભીતર મેં સબ કોન્શિયસ બાઇટ કરેગા. એની જિજ્ઞાસા એના અહંકાર ને તોડી નાખશે. સચ્ચી જિજ્ઞાસા હોતી હૈ તો અહંકાર ભી ટિક નહીં પાતા હૈ. જિજ્ઞાસા સચ્ચા જ્ઞાની વો હૈ વો જો જાણતા હૈ કે મેં બહુ અજ્ઞાની હું અપને અજ્ઞાનતા કો ઇતના ગહેરાઈ સે પહેચાનતા હૈ વો સચ્ચા જ્ઞાની હૈ. જિજ્ઞાસા અને અહંકાર બે સાચી તો ક્યાંથી ટૂટી શકવાનો. જિજ્ઞાસાના પોતાની ઉણપનો ઇકરાર છે અભી તક આયા નહીં હોય અનુભવ નહીં ક્યાં હૈ કોઈ જાણને કી ઈચ્છા બાકી હૈ જિજ્ઞાસા ઉસકા શ્રી કા ઇકરાર હૈ. અહંકારમાં પોતાની સંપન્નતાની જાહેરાત છે. અહંકાર તો મેં બસ MBA મેં સબ જાણતા હું મને બધું આવડે. પરિણામે ખરી જિજ્ઞાસાનું જો હૃદયમાં પદાર્પણ થાય તો અહંકારે જવું જ રહ્યો. આત્માની સચ્ચી જિજ્ઞાસા જાગૃત થતી હોય અહંકાર રવાના હો ગયા. આ જિજ્ઞાસા તો પ્રવચનની વાત આવી, જે લિખને કી વાત આવી, ઓર તપસ્યા કરતા હતા, આંબી કરતા હતા, લુખા સુખા ખાતા હતા, ઉસકી વાત આતી હૈ. આ જિજ્ઞાસાના પ્રતાપે આ સાધકે લુખું સુખું ધાન ખાધું, ભૂમિએ સુતો પર ભૂમિ શંકારાથી અસહન કિયા, હાથનું ઓસી કો કર્યું, બન્ન પીલો ઓની પીલો આતા આતા પીલો, ભૌતિક સુખ સગવડો છોડી દીધા. આ બધું જે સહજ સહજમાં કરી શકે સહજતા છે, જાણે પુરુષવા પ્રયત્ન કરના પડે. કારણ ક્યાં હતા, જેની જિજ્ઞાસા છે તે મળતું નથી. જિજ્ઞાસા તીવ્ર છે, તીવ્ર જિજ્ઞાસા જિજ્ઞાસ્યત સિવાયના તમામનું મહત્વ ભીતરમાંથી ઓસરાવી દે છે. લોકતાહી કરતે હો કિતને મારા તપસ્વી હૈ, કિતને ત્યાગી હૈ, કિતને ચુસ્ત સંયમી હૈ, લેકિન ભીતર મેં ઉસકો અચ્છા નહીં લગતા હૈ. જિજ્ઞાસા હૈ યે સબ કરકે ભી જો પાના હૈ વો જબ તક નહીં પા સકા તો ફિર યે તો ઠીક ઉસકા ક્યા મહત્વ. अपनी रिक्शा तिथि आती है किसी को 25 साल, किसी को 50 साल पूरे होते हैं और लोग महोत्सव करते हैं, भक्त वगैरह करते हैं, जो
भीतर में थोड़ा सा भी विचार होगा तो उसका होगा नहीं, ये ठीक नहीं है कुछ भी किया। जब तक आत्मा का अनुभव इनके सब कुछ नहीं किया है, बिना अंक के शून्य बरोबर है, कितनी भी इच्छा पड़े कितना होलियाँ कितनी जो, इसीलिए तो जागृत साधक होते हैं, सौ सौ होली पूरी हो जाती है, चुपचाप पालना कर किसी को बताए तक नहीं है। चंद्रशेखर से शिष्य प्राय है वल्लभ सूर्य है, सौ होली सभी धर्म उसके गुण जो थे धर्म रक्षा सौ भी होली थी उसका पालने का दिन आ गया तो गुरुदेव को पता नहीं था उन्होंने पालने के दिन का गुरु पाया, तो पालने में मेरे ख्याल से आम भी किया था गुरुदेव आपके हाथ से एक रोटी मेरे पात्र में जरा डाल दीजिए। अच्छे से पता चला कि सौवीं गुरु पूछा होगा क्यों ऐसे क्यों आज गुरुदेव आज सौवीं होली का पालना है, तो कितने धीर गंभीर होंगे बात उसे किसी को पता तक तले नहीं दिया। एक साधु जी भगवान उन्होंने नवसारी से विहार किया, नवसारी से संकेश्वर की ओर आने के लिए विहार किया था, 21 उपवास नवसारी में हो गए थे, उसके बाद विहार प्रारंभ किया, 45 उपवास यहाँ संकेश्वर में आके पूर्ण किया, पारने के दिन स्वयं गोत्री विहारने के लिए निकले और वो भी गांव में आंबिल खत्म या भोजनशाला में नहीं गए, अजैनों के घर में देखा आंबिल था उस दिन भी, कारण 45 उपवास के ऊपर भी आंबिल था, वो भी एक हाथ में तर्पणी जितना एक हाथ में पानी का घड़ा महात्मा की तरह निकले है? और अजैनों के घर में समझ गए जहाँ से जो सहज रूप से मिल गया उसी से पाया चुपचाप कर लिया नहीं। हाँ उनकी माँ भी आई थी किशोर को पता चल गया होगा, उसके बाद सब कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके लिए बनाया होगा तो नहीं लिया, इतने चुस्त संजी में भी होते हैं। तो बड़ा को हमारा एक महात्मा अहमदाबाद लिया करो उपवास जब दादा मुख न जवाय त्या सुधी उपवास પછી યાત્રા કરે છે આવે છે એનું છે ઘટના પછી ऐसे हंस रत्न सूरी महाराज देवलाली थे, वो 36वां उपवास हो गया था, विहार किया सांगली के लिए 300-350 किलोमीटर 180 उपवास में 36 उपवास के बाद देवलाली से विहार किया, करीब 300-350 किलोमीटर तक गया पैदल, चतुर्मा सांगली में हुआ, दीपावली के बाद इसके महीने बैठे वर्ष में लगभग पारण आया था, इतना विहार लंबा लंबा विहार में उपवास में आत्मा की शक्ति है जब गुजरती है तो, लेकिन इतना होते पर भी अगर अनुभव नहीं होता कितना तो उसको खुद को खटकना चाहिए, इतना भी कुछ तप करो त्याग करो काम करो ध्यान करो दुनिया पूरी वाह वाह करती रहे तारीफ करती रहे, लेकिन तो ख्याल होना चाहिए कि नहीं ये सब शून्य है, शून्य नहीं माइनस में हो, अगर राग द्वेष कम नहीं हो पा रहे हैं भीतर में कषाय कम नहीं हो रहे हैं तो जीरो नहीं मैं माइनस में हूँ। मैं सम कौन मौ सम कौन कुटिल खल कामी जिस तनु लियो नहीं बिसरायो ऐशो नमक हरामी, कौन कहते हैं सूरदास, संत सूरदास के मेरे जैसा कौन कुटिल मक्र होगा खल मन दुर्जन और कामी दूसरा कौन होगा जिस भगवान की कृपा से मुझे मनुष्य शरीर मिला है और उसी का भजन करना मैं भूल गया और संसार की माया जल में निपट गया, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग महापुरुष करते हैं अपने भीतर के छोटे छोटे दोष भी उसको बहुत खटकते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं तो જ્યાં સુધી જિજ્ઞાસા પૂર્ણતયા સંતોષાતી નથી ત્યાં સુધી તે જિજ્ઞાસા તેને ક્યાંય ચેન પડવા દેતી નથી, તે બધી જ એ જિજ્ઞાસિત તત્વને જ ગોતે છે, જિજ્ઞાસિત માને જેની જિજ્ઞાસા એવો આત્મા તત્વ ઉસકો જ ખોજ રહા હૈ, ખુદ પોતાની જાતને ગોતે છે, પરિણામે તેને તીવ્ર વૈરાગ્યની ભેટ પણ આ જિજ્ઞાસામાંથી જ આવે છે। सच्ची जिज्ञासा हुई तो अपने आप आगे 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 के स्टेप आते जाएंगे, तीव्र वैराग्य उदासीन भाव पूरे संसार में उदास कुछ नहीं चाहिए बस वो एक ही दिन रात एक ही लगन होती है, तो सती स्त्री हो और उसका पति जो 12 साल हो गया है विदेश गया है कोई खबर रखते समाचार कुछ नहीं है तो कैसे वो तड़पती रहती है, कब आएंगे कब मिलन होगा, इससे भी ज्यादा प्यास
લૌકિક જગતમાં પણ દુન્યવી જિજ્ઞાસા તેની વૃત્તિઓને સગળેથી સમેટી આપે છે. કહેવાતા આવિષ્કારો અને શોધો તીવ્ર જિજ્ઞાસાની ભલે ભલે લૌકિક જ છે, અને એ જિજ્ઞાસાએ તેના શોધકને ઘણે અંશે બાહ્ય બીજી બાબતોથી દૂર કરી દો છે. એડિશનનું દૃષ્ટાંત આ માટે પ્રખ્યાત છે. બલ્કી જિસને ખોજગીને એડિશન ભાઈ 36,000 ઇતને ઉન્હોને પ્રયોગ કિયે, નિષ્ફળતા મિલી. ઇસને કહા છોડ દે ભાઈ, ક્યાં તે પાગલપણ કરકે રખા હૈ, કુછ નહીં હોગા, નહીં ચાલુ રખા અપના શાદી હોય થી હોય ભી ભૂલ ગયા ઉસી દિન તો ચાલી પિટ્યા હો ગઈ તુરંત ડબડ ઘુસ ગયા હમ પછી બંધ કર દિયા પ્રયોગ મેં લગ ગયા. ફિર ઉસકા મિત્ર આયા ઉસકો ઉસકી સે ઉસકા જગાયા, એસી કિતની તીવ્ર ઉત્તમ હોગી. તો ભૌતિક જગત કી જિજ્ઞાસા ભી એસી દશા લા સકતી, તો આત્મા કી જિજ્ઞાસા કી તો વાત હી ક્યા કરતી. હા, એ ખાવાનું પણ ભૂલી જતા, ખાતા કે ન ખાતાનું ભાન પણ નહીં. મેં અમે ભોજન ક્યાં કે નહીં ક્યાં હૈ વો પતા નહીં ચલતા થા એડિશન. અરે પોતાના લગ્નને પણ ભૂલી ગયો હતો, શાદી કીધી હું ભૂલ ગયા, આજ મેં શાદી ભૂલી ગયો. જો લૌકિક જિજ્ઞાસાની આ તાકાત છે તો લોકોત્તર જિજ્ઞાસાની તાકાત તો શું કલ્પવી. આત્માથી જિજ્ઞાસા કે બાકી તાકાત ખરેખર ખોટ યાને કમી કિસ સ્થિતિ અપને મેં હૈ જિજ્ઞાસા, સાચી જિજ્ઞાસા, ઉપર 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 વાળી જિજ્ઞાસા નહીં, થોડા થોડા કુછ કરતે એ નહીં, એકદમ ધ્યાન રહે. અહીં આત્માની જિજ્ઞાસાની વાત છે, નિશ્ચયની જિજ્ઞાસા કે અધ્યાત્મની જિજ્ઞાસા કે તત્વની જિજ્ઞાસા આવી કોઈ વાત નથી. શબ્દ તો મિલતી જુલતી લગતી હૈ, નિશ્ચય નહીં કે અધ્યાત્મ કી યા તત્વ કી જિજ્ઞાસા ભી નહીં, પ્યોર આત્મા કી ડાયરેક્ટ જિજ્ઞાસા કી વાત હૈ. કારણ કે આ બધી જિજ્ઞાસામાં જો આત્માર્થતા ન ભરેલી હોય તો કોરી માહિતી મેળવવાની ઈચ્છા માત્ર બની રહે. મારા ગુરુ આધ્યાત્મિક છે, મારા ગુરુ સત્યચિત્ત છે, આ ટાઈટલ મય છે, પૂરા કરે આત્મા હિ. એટલે એક વૈજ્ઞાનિક હો ગયે ભી હૈ, સાધક ડૉક્ટર હૈ, ઓમ આત્મા, ઉનકો ભી એક પ્રબલ જિજ્ઞાસા થી આખિર હો ગયા હુઆ. ઓમ આત્માય નમઃ, આધા ઘંટા ઘંટા આપ સાધના કીજીએ, બાકી કે 23 ઘંટે નિરંતર યે દિન રાત ઓમ આત્માય નમઃ, ઓમ આત્માય નમઃ, એ મંત્ર ઉસકા દિન રાત સ્મરણ હોના ચાહિયે. ચલતે ફિરતે ખાતે પીતે સોતે ઉઠતે જગતે નિરંતર 6 મહિના એસે પસાર કર, દેખો કે ક્યા હોતા હૈ. હા, સંત કહા દિયા હૈ 6 મહિના ભી ખુશી સારી ચીજો કો ગૌણ કરકે યા ભૂલ કરકે તુમ લગે રહો દિન રાત મૌન કરકે આત્મા આત્મા આત્મા. देखो फिर अनुभव होता है कि नहीं होता है, चैलेंज गारंटी के रूप में था. 6 महीने का टाइम निकलना चाहिए, इच्छा मात्र बढ़ाना. अने परमार्थ चित्तन कोई मूल्य नहीं, केवल आत्मा नी जिज्ञासा એટલે કે ખુદ પોતાની જિજ્ઞાસા, ખુદ પોતાની જાતને ઓળખવાની, અનુભવવાની અને પામવાની તમન્ના. આ તમન્ના જ એક પ્રકારે આત્માર્થતા બની જાય છે. આજ પહેલા ઈચ્છા, પછી રૂપ રૂચિરૂપ તબક્કા રાગ, પછી સંવેદના ભાવના સ્વરૂપ, એમ તીવ્રતા પકડતી જાય છે. જિજ્ઞાસા જેમ જેમ તીવ્રતા પકડતી જાય છે તેમ તેમ મંજિલ નિકટ આવતી જાય છે. કમ સે કમ શુદ્ધ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ સુધી તો જિજ્ઞાસા જ નિર્ણાયક રોલ ભજવે છે. इतनी जिज्ञासा प्रबल, इतनी मंजिल नजदीक में आती जाती है. नहीं तो तीर्थंकर भी मिले अपने की जिज्ञासा जगनी चाहिए, वो नहीं जगे. गणधर भगवान जैसे गौतम स्वामी जैसे भी फिर गए होंगे, लेकिन कर्मों का आवरण इतना था कि जिज्ञासा जैसी चाहिए ऐसी प्रबल तब नहीं जगी. थोड़ी थोड़ी जगी होगी, थोड़ा थोड़ा कुछ प्रयत्न किया होगा, वापिस सो गए. मम्मी जगा थी, बच्चा जरा उठता बोलता है वापिस सो जाता है. શુદ્ધ આત્મદર્શનની પ્રાપ્તિમાં રૂકાવટ લાવનારા અને એટલે જ ભવભ્રમણના મિથ્યા મોહના અવંદ્ય કારણરૂપ ધુરંધર દોષો, બહિર્મુખતા, બાહ્ય તત્વોનું મહત્વ, અહંકાર, કર્તૃત્વનો ભાર, આત્મશ્લાઘા, આસક્તિ, આ બધાને સરળતાથી ને સહજતાથી દૂર હડસેરી દેવાની તાકાત એમાં છે. જિજ્ઞાસા શબ્દ બરાબર યાદ કરના, ઉસકા સ્મરણ કરના, જાણને કી ઈચ્છા જિજ્ઞાસા મન, ઇસકો જાણે ખુદ કો જાણને કી પ્રબલ ઈચ્છા.
જિજ્ઞાસાની તીવ્રતાએ આ બધા જ દોષો આપોઆપ ખરી પડે છે. અને ખરી મજા તો એ છે કે આ બધા દોષો ખરી પડ્યા છે તેની અહમ નોંધ પણ મગજમાં લેવાતી નથી. મેરી દોષ એટલી દૂર હો ગયા, અમે છાવ ગયા હું એ શબ્દ અહંકાર બી નહીં લાગે. ક્યોંકિ જબ તક એક બી દોષ થોડા સા બાકી હૈ તબ તક વો અપને કો નિર્ગુણી સમજતા હૈ. એને તો જિજ્ઞાસી તત્વ ન મળ્યાનો અફસોસ પીડા જેટલી અંતરમાં પીઠાતી હોય છે કે આ દોષો ટળ્યા અને પોતે ઘણો આગળ વધ્યો આવી કશી જ નોંધો તે લેતો નથી, તે લઈ શકતો નથી. ઉલટું દિન પ્રતિદિન તેનો તડફડાટ વધતો જ રહે છે. પરિણામે કાર્ય સિદ્ધિ સુધી પુરુષાર્થ કાચો પડવાનો તો સવાલ જ નથી, ઉલટું વધતો જ જાય છે. મંજિલ કો પા કરકે રહેતા હૈ, બીચમાં કંઈ રૂકતા નહીં. આજે જાતને ઢંડોળીને પૂછો શું આત્મા જોઈએ છે, ઢંડોળીને પૂછો ખરેખર આત્માને પામવાની કે મેળવવાની જિજ્ઞાસા છે કે પછી અમે તો સૂક્ષ્મ વાતો સાંભળ તારા ઊંચું તત્વ જાણ તારા, અમે જેવા તેવા લખ્યા સાંભળીએ નહીં, અમે તો ઊંચી વાતો સાંભળીએ ખાલી સાંભળીએ અને એના મર્મને સમજનારા. આવી આવી અહમ ભાવનાને પુષ્ટ કરવા આ માર્મિક વાતો વંચાઈ કે સંભળાઈ રહી છે. ભલા આપણે પણ આપણી જાતને પૂછવાનું છે, તપાસો ભીતરને ઢંડોળો છે ખરી જિજ્ઞાસા, જિજ્ઞાસા ખરી છે કે નહીં, કઈ કક્ષાની છે, ભલા ઉપર ચડી છે કે જાણવાની, તેને જાણવાના કેટલાક ચિહ્નો હવે અગ્રે વર્તમાન. જિજ્ઞાસા ઉપર ઉપર કી હૈ કે ભીતર કી હૈ, कौन से उसके लक्षण चिन्ह है कि हम समझ सकें कि हमारी आत्मजिज्ञासा किस प्रकार की है. वो सारी बातें अग्रे वर्तमान जिना अपना बुद्ध कुछ भी बोला जाओ आदि कृष्ण.